नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यू अपकमिंग फ़ोन के बारे में। तो जो सबसे पहला नाम सामने आता है इस बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी S10 का। जो दूसरा नाम आता है वो पिक्सल 3 लाइट। जो तीसरा नाम आता है साउमी MI Mix 3। एंड जो चौथा आता है LG स्प्रिट 5G फ़ोन। तो ये सब फ़ोन कब कब आने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आएंगे इसका साथ, कब कब ये लॉन्च करने वाले हैं, ये सब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी Pro.in से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आता रहता है। एंड इस बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी आपसे कोई भी वीडियो ना मिस हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में। इसमें जो आपको परफॉर्मेंस मिलता है, इसका जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है डुअल कोर प्लस डुअल कोर कोर्टेक्स A75+ क्वाड कोर और कोर्टेक्स A55 का एक बहुत ही अच्छा ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको मिलता है। और जिसमें ग्राफिक्स यूज़ हुआ है वो आपका G76MP12 का। और जिसमें चिपसेट यूज़ किया गया वो सैमसंग का खुद का है, जो कि आपका सैमसंग एक्सिनोस 9 ऑक्टा कोर 9820। जो पर इसमें जो सिम स्लॉट है ये आपका हाइब्रिड मिल करने को देखने को मिलता है यहाँ पे। जिसमें कैमरा सेटअप है वो आपको मिलता है 12 MP का 2 और एक 5 MP का, मतलब तो 3 कैमरा आपको देखने को मिलता है बैक साइड में। और जो इसका बैटरी कैपेसिटी वो आपका है 3500 एंड रैम जो आता है वो आपका 6 GB तक का। इसमें आपको और देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास का 5 वर्जन और ये वाटरप्रूफ के संग आता है, जैसे कि इसका सभी आता है। और इसका जो स्क्रीन रेजुलेशन वो आपका है 1440x2960 पिक्सल का। और जिसका ऑफिशियली जो लॉन्च है वो आपका 20 फरवरी 2019 में। और जो इसका आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, ये ऑन स्क्रीन है। और हम लोग जो नेक्स्ट फोन के बारे में बात करने वाले हुआ है Pixel 3 Lite। Pixel 3 Lite में जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलता है एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, जो डिस्प्ले इसमें है वो 5.56 इंच का है। और जो स्टोरेज आपको मिलता है इसमें 32 GB का, जो कैमरा सेटअप है वो एक ही कैमरा है जो 12 MP का। और जो बैटरी देखने को मिलता है इसमें 2915 का है। ये आता है आपका 4 GB रैम के साथ। जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो रियर साइड में है। और जो इसमें क्विक चार्जिंग इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड पाई है, जो 9.0 के ऊपर काम करता है। जो सिम स्लॉट है इसमें वो सिंगल सिम आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो नेटवर्क टाइप है वो 4G है। जिसमें चिप सेट यूज़ किया गया वो क्वाम कोर का Snapdragon 670 तक है। और जो आपका ग्राफिक्स है वो 615 है आपका, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जिसका प्रोसेसर वो आपको ऑक्टा कोर को देखने को मिल जाता है, जो कि आपका काम करता है। क्लॉकिंग स्पीड जो है उसका 2 GHz है, ठीक है। और जो आपको इसमें देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का एक प्रोटेक्शन है, जिसमें पिक्सल डेंसिटी आप लोगों को मिलता है 1080x2160 पिक्सल। जिसका लॉन्च डेट है इंडिया में वो 29 जनवरी 2019। अगले जो फोन के बारे में हम लोग बात करने वाले हुए हैं Xiaomi MI Mix 3। इसमें आपको देखने को मिलता है एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, जिसमें डिस्प्ले आपका 6.39 इंच का है। और जो आपका स्टोरेज आपको मिलता है 128 GB। इसमें 2 कैमरा सेटअप है 12 MP+12 MP। जिसमें बैटरी कैपेसिटी आपको मिलता है वो आपको मिलता है 3200mAh का। और इसमें जो आपको रैम मिलता है वो है आपका 6 GB रैम। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपका मिलता है रियर साइड में। और जो सिम स्लॉट टाइप है ये डुअल सिम 4G सपोर्ट करता है। जो चिपसेट इसमें क्वाम कोर का Snapdragon 845। ये ग्राफिक्स यूज़ किया है कि वो एड्रीनो का 630 है। ये आपका काम करता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसका क्लॉकिंग स्पीड है आपका 2.8 GHz। जो प्रोसेसर है ये 64 बिट के ऊपर काम करता है। जो रैम है इसका वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया था, जैसे कि ये 6 GB का वेरियंट का साथ ही आता है। जो स्क्रीन रेजुलेशन इसका 1080x2340 पिक्सल का है। जो इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च का डेट है वो आपका है January 13, 2019 में। जो अगला अपडेट आता है वो आपका आता है LG की तरफ से। जो स्प्रिंट कॉरपोरेशन है वो इसके साथ पार्टनरशिप में आई है LG इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। और जो अपना पहला 5G स्मार्टफोन है वो इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि ये कंपनी दावा कर रही है कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होगा 5G में, और जो आप लोगों को 2019 के बीच की तरफ में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी गैजेट्स के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी कोई भी वीडियो आपसे न मिस हो।